सुगौली में पिछले दिनों हुए बंगरा गुमटी पर बॉयलर विस्फोट से आक्रोशित पूर्व विधायक रामाश्रय सिंह ने ग्रामीणों के साथ मिलकर धरने पर बैठे। इस दौरान श्री सिंह ने प्रशासन से इस विस्फोट में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की। वहीं धरने पर बैठे रामाश्रय सिंह ने सुगौली के विधायक पर तंज कसते हुए कहा कि सुगौली की जनता को इंसाफ चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के विधायक श्री रामचंद्र सहनी इस पूरे इलाके को विधवा बना दिया, कोई आवाज नहीं है सुगौली की, सुगौली की जनता को कोई इंसाफ नहीं है और इस तरह के मुर्दार विधायक से सुगौली की जनता का कल्याण नहीं हो सकता है। हमारी ये लड़ाई जो आज शुरू हुई है ये जो है सो चुनाव के दिन तक चलेगी, पोल के दिन तक चलेगी और हम जो है सो ऐसे मुर्दा लोगों को सुगौली से खदेड़ करके ही दम लेंगे। आपको बता दें कि मोतिहारी जिले के सुगौली प्रखंड में मिड डे मील का बॉयलर फट जाने से 4 से अधिक मजदूरों की मौत हो गई थी, वहीं 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सुबह सुबह मौके पर पहुंचे लोगों ने बताया था कि हादसे में 4 से अधिक मजदूरों की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि कई मृतक मजदूरों के शरीर के चिथड़े उड़ गए थे। पंजाब केसरी टीवी के लिए मोतिहारी से अरुण कुमार की रिपोर्ट।